Well, hello guys, welcome back to all of you. What is nipotent group? So हम किसी ग्रुप को निपोटेंट बोल सकते हैं अगर उसके पास कोई फाइनाइट सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करे. फाइनाइट सेंट्रल सीरीज का मतलब ये है कि मान लिया मेरे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है दोस्तों जी. ठीक है, अब मैं इस ग्रुप को बोलना चाहता हूँ कि एक निपोटेंट ग्रुप है. तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है इफ़ जी हैव अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज. ओके, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे इफ जी हैव अ जी हैज अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज. अब ये फाइनाइट सेंट्रल सीरीज क्या होगी? देखो, सबसे पहले सेंट्रल सीरीज की अगर बात करें तो मैं सेंट्रल सीरीज के ऊपर ऑलरेडी आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ. जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको वॉच करें. तो अगर किसी ग्रुप के पास कोई फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होती है तो हम उस ग्रुप को निपोटेंट ग्रुप बोलते हैं. अब फाइनाइट सेंट्रल सीरीज कैसी होती है और फाइनाइट सेंट्रल सीरीज में फ़र्क क्या है? फाइनाइट सेंट्रल सीरीज ना हमेशा जहाँ पे टर्मिनेट होगी वो किसी ना किसी जाके ई पे टर्मिनेट होगी. यानी कि इसके पास अगर बहुत सारे सब ग्रुप्स की सीरीज एग्जिस्ट करती है, G1, G2. देखो, जो सेंट्रल सीरीज थी ना, सेंट्रल, अगर मैं सेंट्रल सीरीज की बात करूं तो वो सेंट्रल सीरीज को हम बोलते थे कि अगर आपके पास G है तो फिर हम उसको लिखेंगे G0, और उसमें कंटेन कौन करेगा? G1, और G1 में कंटेन कौन करेगा? G2, और G2 में कंटेन कौन करेगा? G3, और ऐसा ऑन चलते चले जाएंगे. और लास्ट जो हम गए थे वो गए थे GM-1, और इसमें कंटेन करेगा GM तक. तो यहाँ पे मैंने इसको E तक नहीं लेके गया. ठीक है, लास्ट पे मैंने कोई एम्प्टी सेट पे इसको फिनिश नहीं किया है ना. तो इसको सेंट्रल सीरीज बोलते थे. और दो बातें इसकी ऑलरेडी थी मेरे पास कि पहली क्या थी कि हर एक जो जी आई है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? जी का. और जो दूसरी बात इसमें निकल के आई थी वो ये थी कि हर एक जो कोशेंट ग्रुप बनेगा GI/GI+1 वाला, वो क्या होगा? वो कंटेन्ड करेगा सेंटर ऑफ GI/GI+1 के अंदर. ये दो बातें हमने सीखी थी यहाँ से. ओके, कि अगर ये सेंट्रल सीरीज है तो ये बात होनी चाहिए. अब मैं बात कर रहा हूँ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज की. तो फाइनाइट सेंट्रल सीरीज, एक बार डेफिनेशन देखिए इसकी. ग्रुप जी इज कॉल्ड निपोटेंट ग्रुप इफ इट हैज अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज फॉर टर्मिनेटिंग एट ई. यानी कि इसका मतलब बड़ा सिंपल ये हो गया कि इसका मतलब ये जो ग्रुप की जो एक सीरीज एग्जिस्ट करती है G0 कंटेनिंग G1 एंड कंटेनिंग G2 एंड एसो ऑन, हमने लास्ट पे लेके गए GM-1 तक और GM तक. तो इसमें अब क्या करेंगे? GM-1 भी आएगा एंड इसमें कंटेन कौन करेगा? GM. और इसमें ये जो GM आपका आया है ये डेफिनेटली इक्वल टू होगा किसके? एम्प्टी सेट के, यानी कि इक्वल टू ई के. तो अगर इक्वल टू ई के नहीं है तो वो सिंपल सेंट्रल सीरीज है. बट इक्वल टू ई हो जाता है तो वो सेंट्रल सीरीज आपकी कैसी बन जाएगी? वो एक निपोटेंट ग्रुप को जनरेट करेगी. यानी कि ऐसी सीरीज, तो जी ये ई आ गया. और इसमें भी दो बातें तो वही रहेंगी ना, एक तो कौन सी कि जितने भी जी आईज हैं ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए जी के. और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे जैसे GI/GI+1 वाले, ये कंटेन्ड करेंगे अपने सेंटर में, सेंटर ऑफ GI/GI+1 के अंदर. ठीक है, तो है ये सेंट्रल सीरीज, बस यहाँ पे एंड हो रही कहाँ पे? ई पे. तो इस ग्रुप को मैं, इस जी को मैं निपोटेंट ग्रुप बोलूंगा क्योंकि उसके लिए एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट कर रही है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एम लिखो, सी लिखो, बहुत सारे बुक्स के अंदर सी लिखा गया है तो आप इसको सी भी लिख सकते हो. तो अगर मैं इसको एम तक फिनिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो निपोटेंसी जो क्लास है वो एम है. ओके, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? जी इज कॉल्ड, सो हेयर पॉइंट टू बी नोटेड, यू कैन सी दैट जी इज कॉल्ड निपोटेंट ग्रुप. तो बोला ही गया ये, और निपोटेंट ग्रुप है नो डाउट. जी इज कॉल्ड निपोटेंट ऑफ निपोटेंसी. इसमें निपोटेंसी यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ निपोटेंसी क्या है? निपोटेंसी क्या है इसकी? क्लास एम है इसमें यार, क्लास एम. ओके, तो ये क्लास एम की निपोटेंसी है क्योंकि एम पे जाके ये सीरीज क्या हो रही है? इक्वल टू एम्प्टी सेट हो रही है. और जो भी सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती हैं जी के लिए उनकी लेंथ हमेशा, यू कैन से एवरी अदर सेंट्रल सीरीज जो एग्जिस्ट करेंगी वो हमेशा क्या होंगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ही होंगी. ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात बोलें कि जो आपका जी है, इफ वो जी आपका
ऑलरेडी ई के इक्वल टू है, यानी कि इसके पास कोई और सब ग्रुप्स हैं ही नहीं, जब खुद जी ही ई के इक्वल टू, यानी कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फिर जो आपका जी बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, जो सीरीज बनेगी, वो कैसी होगी? जी इज इक्वल टू जी नॉट और जी नॉट इज इक्वल टू ई, ऐसी बनेगी। तो इसमें देखिए ना तो कोई नॉर्मल सब ग्रुप वाली सीरीज बनी, तो इसको आप बोल सकते हो कि इसमें जो है ना ये जी इज अ निपोटेंट ऑफ क्लास जीरो। ओके, तो यू कैन से दैट दैट जी इज निपोटेंट ऑफ क्लास जीरो, तो जीरो क्लास का निपोटेंट ग्रुप बन गया। तो ये मतलब था कोई भी ग्रुप निपोटेंट कहलाएगा, उसके पास सेंट्रल सीरीज होनी चाहिए और फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक थ्योरम करेंगे, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।